आम का एक ऐसा अनोखा पेड़ दिखाएंगे जिस पर 300 प्रकार की अलग अलग किस्मों के आम उगते हैं। ये पेड़ लखनऊ के मलिहाबाद में है और 300 प्रकार के ये आम हमारे देश के आम आदमी के स्वभाव और व्यवहार के बारे में भी बहुत सारी बातें बताते हैं और आज हम इसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे। जो पेड़ फलदार होते हैं वो विनम्रता से झुके होते हैं। ये आम का वो पेड़ है जिसकी डालियां जमीन को छू रही है, क्योंकि इस पर 300 प्रकार के आम उगते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में आम का यह पेड़ एक सीजन में 300 से ज्यादा प्रकार के आम की मिठास से लदा होता है। मलिहाबाद के आम देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। और जब मलिहाबाद के आमों का जिक्र होता है तो नाम आता है आम आदमी यानी कि मैंगो मैन कहे जाने वाले पद्मश्री कलीमुल्ला खां का। अपने अपने आप ये जहन में पेड़ आया कि एक पेड़ हम किस्मों का बनाए, तो सात वैरायटी का एक पेड़ हमने सात किस्मों का एक पेड़ बनाया। तो सन 60 में पेड़ तैयार हो गया। सन 60 में बारिश यहाँ इतनी हुई कि कई महीने पानी भरा रहा, जगह भी वो नीची थी और हमारी नर्सरी का भी पहला वो जिंदगी का साल होता जिसमें हमें पैसे मिलते। कम ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने इतनी लंबी मेहनत एक साथ आज तक की हो, सन 40 के बाद पैदाइश और बीच में तालीम के बाद से आज का दिन आपको हम नर्सरी में मिले। कलीमुल्ला खां की खासियत यह है कि वो अपने अलग अलग प्रयोगों से ऐसे पेड़ तैयार करते हैं कि हर डाली पर उगे आमों का अपना ही स्वाद और अपनी ही खासियत होती है। एक डाली पर केसर है, दूसरी डाली दशहरी, अगर एक डाली पर तोतापरी है तो दूसरी पर अल्फांसो। ये एक ऐसा फल है इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है प्यार के साथ में, तो ये वो चीजें देगा जो आदमी सोच नहीं सकता है, क्योंकि इसकी ये सिफत जो है कि दो से मिलकर एक इंसान बन जाता है नया। आज इतनी बड़ी दुनिया में दो इंसान एक सा नहीं है। 1957 से ही कलीमुल्ला खां अपने 5 एकड़ में फैले आम के बगीचे में अलग अलग प्रजातियों के आम का उत्पादन करते रहे हैं और आम से उनका लगाव इतना है कि वो मानते हैं कि आम का पेड़ एक इंसान है और वो खुद ही नई खोज करके आम में नया स्वाद देता है। ये 100 साल का पुराना पेड़ है और इसे आपने देखा होगा, समझा होगा, इसमें हर पत्ते अलग हैं, जिसमें आप आमो टाइम पे आएंगे तो इसमें इस टाइम आम है, छोटे छोटे हैं, अलग वैरायटी है। इस तरह से अब आम के बाद भी आएंगे तो इसे आप पेड़ को देख के ताजुब मालूम देगा, मतलब कोई ब्रांच नीचे है कोई ऊंची है, ऐसे जैसे एक ऑक्टोपस नहीं होता इस तरह से उसकी बनावट है, देखने में खूबसूरत अच्छा है। और इसे हमारे फादर में 1987 से लगाया है और अब भी लगे हुए कुछ ना कुछ इसमें जोड़ते रहते हैं। इसे हम 300 से ऊपर वैरायटी तैयार है इसमें। साल 1919 में अकेले मलिहाबाद में ही 1300 किस्म के आम पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ इनकी किस्में कम होती गईं और अब उत्तर प्रदेश में 700 किस्में पाई जाती हैं। कलीमुल्ला खां चाहते हैं कि फिर से आम की कई किस्में वो अपने बगीचे में उगाएं। उनका मानना है कि आम इंसान का रूप है और जैसे दो इंसान एक नए इंसान को जन्म देते हैं, इसी तरह आम का पेड़ भी ऐसा ही करता है। हम पढ़े नहीं है दुनिया में, बड़े मुताले हैं, बड़े बहुत ही काम दुनिया में किए गए हैं, तो वो हो सकता है इससे अच्छी चीजें निकल कर और भी आ जाएं। तो उसमें हम ढूंढ रहे थे उसी गुर्दे फेल होने का, तो हमको ये उसमें मिला और इसमें 5 चीजें ऐसी मिली जो इंसान के खून में है वो आम के खून में, वो बाकायदा लिखा पढ़ी में है। ऐसा नहीं है कि ये हम जो बात आपसे कह रहे हैं हवा में कह रहे हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसर ने अपने पैड पर साइन करके दिए हैं। कलीमुल्ला खां की एक और खासियत यह भी है कि जब भी वो किसी पेड़ पर कोई नई प्रजाति के आम को उगाते हैं तो उसका एक अलग नाम रखते हैं। जैसे इस आम का नाम नमो है, ये आम इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी के नाम पर भी आम की किस्म का नामकरण वो कर चुके हैं। आम खाने के शौकीन जिस चाव से आम का स्वाद लेते हैं उसी चाव से कलीमुल्ला आम की नई किस्में बाजार में उतारने की कोशिश करते हैं।